तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब हो गया है मौसम में चेंज, क्योंकि आज हो रही है बारिश। तो आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो हो गई है ठंड। ठंड हो गई तो निकालनी पड़ी जर्सियाँ। आप जर्सी पहनने का मौसम स्टार्ट हो गया है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश की वजह से आज ठंड हो गई है काफ़ी। एंड हैप्पी धनतेरस टू माई ऑल वाइटी फैमिली। और चाहे कोई मेरा हेटर हो चाहे सपोर्टर हो, हर किसी को हैप्पी धनतेरस। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक बहुत पुराने कपल की, जो अब से नहीं, मेरे ख्याल से जनवरी से उनका वो बात चल रही है। और थंबनेल देखकर पता चली गया होगा कुछ लोगों को, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको मालूम चली गया होगा, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको अब मालूम चल जाएगा। तो आज की वीडियो पे बात करने वाली हूँ मैं ज्योति और परवीन की। पता, जैसे भी कोई त्यौहार आता है ना, जैसे कोई भी त्यौहार आए, चलो छोड़ते हैं, पहले बताती हूँ स्टार्टिंग से। तो ज्योति परवीन एक कपल हैं जिन्होंने लव मैरिज की थी, जो कि हरियाणा से हैं। और कपल शादी करने के बाद इनके दो बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा। जिस टाइम पर इनका बेटा सिर्फ 1.25 महीने का था, उस टाइम पर कपल्स का नेम है ज्योति एंड परवीन, ज्योति और परवीन भाई हैं। और दोनों ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज करने के बाद इनको एक बेटी है, और बेटी होने के बाद एक बेटा है। 3 से 3.5 साल शायद इनकी शादी को हुए थे, और जब वो बेटा 1.25 महीने का था तो ज्योति अपने घर चली गई थी। मतलब कि किसी, उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं है, उसके कैरेक्टर पर उंगली मत उठाना, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। शादी के बाद उसके पेरेंट्स फिर उसकी बातें नहीं होती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब बेटी होने के बाद जब बातें होनी स्टार्ट हुई, तो फिर वो अपने घर चली गई अपने 1.25 महीने के बेटे को छोड़कर। जनवरी में गई थी वो, और अब दोबारा जनवरी आ जाएगी, नवंबर चल रहा है, लेकिन वो आज तक नहीं आई है। बहुत सारी हियरिंग भी हुई हैं, कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन उसने कभी कोर्ट में भी अपने बच्चे को, मतलब एक माँ, समझ सकते हो कि एक माँ का दिल क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ सकती है, पर अपने पेट से पैदा हुए बच्चे को नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी। अपने बेटे के लिए, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन ये एक ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया है, दोनों बच्चों को छोड़ दिया, और आज तक कभी ना तो उन्हें पलट के देखा, ना उनसे मिलने आई, और ना ही कभी उनसे बात की है। वो 1.25 महीने का बेटा, जिसको अपने माँ की दूध की जरूरत थी जिस टाइम पर, वो गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ है। आज शायद वो नहीं जानता होगा कि उसकी माँ कौन है, क्योंकि वो आज उसकी दादी ने इसको पाला है, और शायद आज उसकी अपनी दादी को ही अपनी माँ समझता होगा। रही परवीन भाई की बात, तो उन्होंने बहुत सारी, ज्योति ने बहुत सारी खोट बताई थी परवीन के अंदर, कि मेरे भाई को मारने की धमकी देता है, मुझसे पैसे मंगाता है, ड्रिंक करता है, जुआ खेलता है, ये करता है, वो करता है। गलती हर इंसान से होती है, और उस आदमी ने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत गलती मानी अपनी, यहाँ तक कि ये भी बोला कि जो मुझसे हो गया, चलो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चों को मिलेगी। और रही बात, उन्होंने जहाँ तक कि परवीन ने यहाँ तक कह रहा था कि हम दोनों अगर ज़िंदगी में, लाइफ में मैं कभी ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, उसने बोला पहले अपने पैसे नहीं मंगाए हैं परवीन भाई ने, पैसे नहीं मंगाए ससुराल से, ना उसको मारा पीटा कभी, ना उसके ऊपर कभी मतलब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रखा, लेकिन कहते थे शराब पीते हैं, ये करता है वो करता है। तो देखो शराब पीना, तो देखो जब वो शादी से पहले 2-3 साल रिलेशन में रही, शादी के बाद वो 3-4 साल अपने पति के साथ रही, तो उसके स्टार्टिंग से पता होगा ना कि उसका पति शराब पीता है। ज्योति को स्टार्टिंग से पता था कि परवीन शराब पीता है, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि कोई 10-12 दिन का रिलेशन था, 6-7 साल का रिलेशन था, तो क्या उसमें उस बंदी को ये नहीं पता चला कि वो परवीन भाई ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं? उसे सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये नहीं पता लगा कि वो छोड़कर कहीं गई क्यों। जो भी उसने इल्ज़ाम लगाए परवीन भाई के ऊपर, वो सब गलत थे,
उस आदमी ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर मैं ज़िंदगी में लाइफ में कभी ड्रिंक भी कर लूँ ना, तो आप लोगों का सर और मेरा, आप लोगों का जूता और मेरा सर। लेकिन उस बंदी ने कभी नहीं मानी। एक आदमी जो रोता है ना, औरत तो रो जाती है, बहुत जल्दी भूसन जाती है, लेकिन जब एक आदमी रो रहा है ना किसी लड़की के लिए, तो सच में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन ज्योति ने कभी कदर नहीं की अपने पति की। शादी तो और हो जाएगी, लड़का भी और मिल जाएगा, बच्चे भी और हो जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसा प्यार परवीन भाई करते ना ज्योति, ऐसा प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा दोबारा से। और कोई होता ना परवीन भाई की जगह तो कब का छोड़ दिया होता, अपनी ईगो में कब का डिवोर्स भी दे दिया होता। लेकिन उस आदमी ने आज तक भी हार नहीं मानी, आज तक ही होती है अपना मानता है और अपनाना चाहता है। ठीक है, इतना 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 ज़्यादा उसका इम्तिहान ले लिया ना कि इतना तो कोई किसी का नहीं ले सकता। इतनी उसने परीक्षा पास कर ली हर चीज़ में, हर चीज़ में। लेकिन पता नहीं उस लड़की के अंदर का प्यार कहाँ मर गया। ये वही लड़की है जो इस लड़के के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर भाग गई थी, अपने माँ बाप को धोखा देकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। और आज ये लड़की उस लड़के के पहले इसने परवीन के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ा, और आज इसने अपने माँ बाप के चक्कर में परवीन को, अपने पति को और अपने बच्चों को छोड़ दिया। पता नहीं क्या वो आ गया, मतलब या तो ये लड़की किसी काम की नहीं है, सच में बताऊँ ना तो ये लड़की किसी काम की नहीं है, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, माँ बाप के खिलाफ जाकर ऊपर जाकर जिससे लव मैरिज की, उसकी नहीं हुई। अब इन सब को तो छोड़ो, अपने पेट से पैदा हुए बच्चे की नहीं हुई तो ये किसकी होगी, किसी की नहीं हो सकती। लाइफ में ऐसे ही ठोकर खाती फिरेगी, कुछ नहीं। एक दिन ऐसा आएगा ना इसका कि ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, वो वाली कंडीशन आ जाएगी इसकी कुछ टाइम बाद। लेकिन जब भी कोई त्यौहार आता है, दिवाली आए, होली आए, कोई भी त्यौहार आए, तो जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो इन लोगों से प्यार करते हैं, आई मीन जो इनकी स्टोरी हमारे थ्रू पता चली लोगों को, और जो लोग चाहते हैं कि ज्योति परवीन एक हो जाए, उनका हमेशा ये होता है कि क्या दिवाली आ गई, क्या ज्योति परवीन साथ में आ गई फिर से। दीदी पता ना प्लीज़ कमेंट, क्योंकि मैंने बहुत सारी इस केस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद मुझे पता होगा, हमें पता, मतलब मेरे पास ही कमेंट नहीं करते हुए जिन लोगों ने भी इस केस पर वीडियो बनाई है, हर किसी के पास जाता है। तो क्या ज्योति परवीन का केस समाप्त हो गया, क्या ज्योति परवीन एक हो गए, अच्छा दिवाली आ रही है फिर तो ज्योति परवीन एक, मतलब ज्योति आ गई होगी ना अपने बच्चों के पास। और जो आज मैंने थंबनेल लगाया है ना, थंबनेल में जो टाइटल लिखा वो लिखा है, थंबनेल जो लगाया, थंबनेल में जो भी कुछ लिखा है ना, वो सब एक सब्सक्राइबर की ही लाइनें थी जो मैंने थंबनेल पर लगाई हैं। मतलब इतना इंतज़ार है लोगों को आज भी ज्योति परवीन की, एक हो जाएंगे। लेकिन सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार है कि ज्योति परवीन एक हो जाए। पता नहीं लेकिन कब आएगा वो दिन कि जब ज्योति परवीन एक हो जाएंगे। तो जिसने भी कमेंट किए थे, मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ज्योति परवीन अभी नहीं एक हुए हैं, अभी भी उनका केस चल ही रहा है, और जब तक ज्योति हाँ नहीं करेगी, जब तक कैसे वो आ सकती है। परवीन भाई की तरफ से तो पूरी हाँ है। अगर ज्योति आज कहे कि मुझे ले जाओ, तो वो आज अभी के अभी ले जाएंगे। लेकिन उस लड़की की तरफ से अभी हाँ नहीं हो रही है, तो पता नहीं कितने दिन हो रही है केस चलेगा, कब ज्योति परवीन एक होंगी, कब उस लड़की को अकल आएगी कि अपना पति और अपने बच्चे सब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर तेरे घर वाले दूसरी शादी करा भी देंगे तेरी, तो क्या तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा? पैसे ही मिल सकते हैं, बेशक परवीन भाई गरीब हैं, पैसे मिल जाएंगे तुझे, लेकिन इतना प्यार करने वाला पति नहीं मिलेगा। ये दो बच्चे हैं, इनकी गलती क्या थी जो इनको इतनी बड़ी सजा दी तूने, ये बता। मतलब 2 साल की लड़की, 2.5 साल की लड़की और 1.25 महीने के बेटे को तू ऐसे छोड़ के चली गई ज्योति, जैसे कुछ तूने पैदा ही ना किए हो, है ना? अपने पेट से निकले बच्चे को कोई कैसे छोड़ सकता है दूसरे के भरोसे, है ना? सास तेरी इतना पाल, इतना प्यार करती है बच्चों को, है ना? वो खुद बीमार रहती हैं, तुझे उन पर भी तरस नहीं आया कि अगर उनको कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? मतलब एक माँ का इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि वो अपने बच्चों से इतने महीने लेट दूर है, 1 साल होने वाला हो रहा है, 1 साल से दूर है अपने बच्चों से। क्या तेरा मन नहीं करता ज्योति अपने बच्चों से मिलने का? क्या उनसे मिलने का, उन्हें देखने का, उन्हें प्यार करने का मन नहीं करता? क्यों इन बच्चों की बद्दुआ ले रही है? मत ले इन बच्चों की बद्दुआ, ठीक है? बाकी सब तो हो जाएगा, लेकिन जो इन बच्चों की मन से बद्दुआ निकलेगी ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। अभी भी टाइम है, अभी भी वो बंदा तुझे अपनाने के लिए तैयार है। आ जाओ, एक हो जाओ।
ठीक है, एक हो जाओगे तो उसी में फायदा है तुम्हारा भी, परवीन भाई का भी और इन बच्चों का भी। वो कहीं ना कहीं अगर नहीं भी आएगी ना, तो आखिरी टाइम में ना तुझे परवीन भाई जरूर याद आएंगे कि कैसा पति था वो मेरे लिए। 1 साल उसने मेरा इंतजार किया। वो कहते हैं कि मैं शादी करने को, तो परवीन भाई भी तुम शादी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करनी उन्हें ना, वो प्यार सिर्फ एक से किया है ना, तेरे से तो तेरे से ही करेंगे शादी भी, और तू ही रहेगी आखिरी टाइम तक उनकी वाइफ। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सुन नई वीडियो के साथ। एंड हैप्पी दीपावली परवीन भाई एंड ज्योति। हो सकता है तो दोनों कहीं अकेले जाके और बात करके देखो, मतलब 5 मिनट अकेले बैठकर बात करके देखो, शायद तुम्हारी जो ये जो तुम दो परिवारों के बीच में बैठकर नहीं कर पा रहे हो ना बात, वो शायद आपस में अगर 5 मिनट बैठ कर बात कर लो तो शायद तुम्हारी समस्या जो है ना उसको सोल्यूशन हो जाए। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।